गाइस, आपका दोस्त फिर से आ गया एक नया टॉपिक लेके। तो आज का टॉपिक है यूट्यूब पर थंबनेल कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो में बिना कुछ टाइम गवाए। तो सबसे पहले आप यूट्यूब खोलिएगा, और आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन दबाइएगा, फिर अपलोड है वीडियो लिखा हुआ है, अपलोड है वीडियो पर जाइएगा, वो वीडियो सेलेक्ट कीजिएगा जिसको आपको अपलोड करना है। तो मैं ये वीडियो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उसको नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे जैसे बता रहा वैसे वैसे सेम टू सेम कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। फिर टाइटल लिख लीजिएगा, टाइटल लिख लीजिएगा, मेरा तो ये वीडियो का है टाइटल है कि फ़ोटो को PNG में कैसे बदले, फ़ोटो को PNG में कैसे बदले। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा यही सब, फ़ोटो को PNG में कैसे बदले, ये सब कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इधर कुछ नहीं करना, उस पर नेक्स्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट अपलोड है वीडियो, अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद तुरंत YT स्टूडियो पे आइएगा, जैसे सब बता रहा हूँ सेम टू वैसे वैसे कीजिएगा, समझ जाइएगा। YT स्टूडियो पर आइएगा, ठीक है, YT स्टूडियो पे आ गया, फिर कंटेंट पे जाइएगा, वहाँ पर जो अपलोड किए हैं तुरंत यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ जाइएगा, एडिट पे जाइएगा, देखिए एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दे रहा है, पेंसिल का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। कस्टम थंबनेल पे जाइएगा, ये देखिए थंबनेल्स है मेरे, ये जो थंबनेल बनाए हुआ गैलरी में थंबनेल्स आ जाएगा आपका, तो थंबनेल्स पर क्लिक कीजिएगा, डन कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर टैग पर क्लिक कीजिएगा, टैग पर डाल दीजिएगा, टैग पर क्या डालना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो टैग पर जैसे आप यूट्यूब पर सर्च मारा जाता है वो हिसाब से टैग मार कि क्या आपका यूट्यूब पर आदमी सर्च मारे जो आपका चैनल आपका वीडियो सबसे पहले आए। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ़ोटो को PNG में कैसे बदले, ऐसे ही कुछ लिख दीजिएगा, फ़ोटो PNG, और भी बहुत सारा टैग बना लीजिएगा। उसके बाद ये सब कुछ नहीं करना है, उसके बाद बैक आ जाइएगा और सेव कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं फ़ोटो पर PNG आ गया है, फ़ोटो पे थंबनेल्स आ गया है। तो इसी तरह आप वीडियो पे थंबनेल्स लगा सकते हैं। अगर वीडियो आज पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो और भी आपके लिए लाता रहूं। तो चलते हैं, जय हिंद।